नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के सहित विचरते हुए मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुंचे। वह पुरी अमरापुरी के सदृश ही सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिवजी का मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्म पत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को प्रसन्नचित देखकर मन बहलाने की इच्छा से उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया। श्री महादेव जी ने भी अपनी प्राण प्यारी की बात मानकर चौसर खेलना प्रारंभ कर दिया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न कर लिया कि बताइए, इस चौसर की बाजी किसको जीतनी चाहिए। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचार ही बोल उठा कि जीतेंगे तो महादेव ही, परंतु हुआ इसके विरुद्ध और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर पार्वती जी की जीत हो गई। इस पर पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए वह तैयार हो गई। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने कुछ भी ना मानकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। कुछ दिन पश्चात पार्वती जी के श्रापवश वह कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए, तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं श्री शिव की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आईं और पुजारी जी को सारे शरीर पर कोढ़ देखकर दया भाव से पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने उनके विनाश का कारण वह शिवजी और पार्वती जी के चौसर खेलने का श्राप बताया। तब अप्सराएं यह सब कथा सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अब तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम व्रत षोडश सोमवार व्रत की विधि को अप्सराओं से पूछने पर करो। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र पहनकर फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह से शुद्ध भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनाओ और उसके 3 भाग कर लो। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, यज्ञोपवीत आदि प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर शिवजी की पूजा करो और इस प्रकार तुम अपने सभी दुख और कष्टों से मुक्त हो जाओगे। इस कथा को सुनने व बोलने में कुछ भूल चुकी हो तो शिवजी हमें क्षमा करें। धन्यवाद।